Assalamu alaikum dear students. I am your instructor Salman Amin Malik for the course Linear Algebra and today we have the ninth lecture of linear algebra. We have learned different very important concepts in linear algebra. And in the previous, let me recall you what you what we have done in the previous lecture. In the previous lecture, we have studied different geometric transformations, linear transformation, in fact, and we have studied or learned how to find out the matrix of transformation, which we also call the standard matrix. ऑफ़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादातर एग्जाम्पल जो हमने की थी वो यही की थी कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है वह आर टू से आर टू पे है और वह ज्योमेट्रिकली डिफाइंड है रिफ्लेक्शन थी अबाउट एक्स वन एक्सेस एक्स टू एक्सेस शियर ट्रांसफॉर्मेशन थी और इस तरह की डिफरेंट ज्योमेट्रिकली डिफाइंड ट्रांसफॉर्मेशन थी फॉर एग्जाम्पल वन ट्रांसफॉर्मेशन थी जिसमें ईच पॉइंट इन आर टू इज़ रोटेटेड अबाउट काउंटर क्लाक वाइज बाय एन एंगल फाई तो इसका मेट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हमने निकाला था फिर हमने ये भी सीखा था कि किस तरह हम किसी एक गिवन ट्रांसफॉर्मेशन को साबित कर सकते हैं प्रूव कर सकते हैं कि ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इनफैक्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की दो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी जो लास्ट uh, लेक्चर uh, में की थी और मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी निकालना सीखा था फिर एट द एंड ऑफ द लेक्चर वी हैव डिफाइंड टू टर्म्स दैट अ मैपिंग और ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑन टू एंड अ मैपिंग वन एवर अ मैपिंग और ट्रांसफॉर्मेशन इज सेट टू बी वन टू वन वन टू वन और ऑन टू की जो टर्मिनोलॉजीज uh, जो हैं ये टर्मिनोलॉजीज हमने डिफाइन की थी फॉर एनी ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग और फंक्शन सिंस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है और एक फंक्शन ही होता है तो हम वी कैन टॉक अबाउट द सेम अबाउट द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और हमने दो बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हैं वो स्टडी किए थे अबाउट द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टू बी ऑन टू एंड वन टू वन हमने ये किया था कि अगर आपके पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विल बी वन टू वन इफ एंड ऑनल उसका मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के कोरस्पॉन्ड जो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनता है विच हैज़ ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन जीरो 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 उसका सोल्यूशन हो इसी तरह हमने एक रिजल्ट और किया था जिसमें हमने ये स्टेट किया था अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ज सेट टू बी ऑन टू इफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जब भी मैं कहूंगा तो उसके कॉरस्पॉन्ड हम मेट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं इफ एंड ओनलीफ द मेट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन स्पेन्स द स्पेस इन विच योर इमेजेस आर गोइंग फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन आर टू से आर थ्री पे है तो आर थ्री का जितने भी आर थ्री में इमेज जा रहे हैं आपके R2 से यू हैव अ वेक्टर ऑफ R2 आप ट्रांसफॉर्मेशन में डालते हैं आपके पास आंसर R3 का एक वेक्टर आता है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो होगी ये ऑन टू होगी अगर मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हम निकाल लेंगे एंड कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन स्पेन आर थ्री अब स्पैन का कॉन्सेप्ट जो है ये हमने बड़ी अच्छी तरह पढ़ लिया हुआ है इसी तरह हमने ये डिसाइड किया था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विल बी वन टू वन इफ द कॉलम्स ऑफ मेट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट वन टू वन का यही मतलब था कि आपका रेंज में जो भी एलिमेंट हैं जितने भी एलिमेंट हैं उनका इमेज इन द डोमेन वो जो है वो एट मोस्ट वन एलिमेंट इन द डोमेन हो इस तरह नहीं हो सकता कि आपके पास रेंज में एक एलिमेंट है और आपके पास दो या तीन डिफरेंट एलिमेंट जो है उनका इमेज अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन टी जो है वो एक सिंगल एलिमेंट आ रहा है इन योर रेंज ठीक है ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थे जो हमने किए थे आज के लेक्चर में हमने एप्लीकेशन जो हैं वो स्टडी करनी है इफ़ यू रिमेम्बर दैट आई हैव स्टार्टेड दिस कोर्स बाई टेकिंग अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन जिसमें हमारे पास एक वेज थी वेज के ऊपर एक रॉड था और दो वेट्स थे अन वेट्स और एक वेट जो था वो हमें उसका मास जो था वो नॉन था तो हम बैलेंस कर रहे थे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वेज पे रॉड को लेके आ रहे थे एंड दो डिफरेंट पोजिशंस पे हमने टॉर्क जो है टर्निंग इफेक्ट जो है उसके इक्वेजन्स uh, बना के हमने दो डिफरेंट इक्वेजन्स बनाई थी एट टू डिफरेंट बाय प्लेसिंग टू डिफरेंट पोजिशंस एंड मेकिंग द रॉड एट इक्ुलीब्रियम ऑन द वेज ये जो है ये हमने दो डिफरेंट इक्वेजन्स बनाई थी फॉर नोइंग द मास ऑफ द टू अन बॉडी आज हमने एप्लीकेशन स्टडी करनी है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की विच आर फ्रॉम इकोनॉमिक्स, नेटवर्क फ्लो में और केमिकल बैलेंस करने में केमिकल रिएक्शन है उससे केमिकल रिएक्शन से आपके पास uh, कुछ uh, जो है एलिमेंट्स हैं दे मिक्स टुगेदर एंड दे फॉर्म अ न्यू एलिमेंट्स और न्यू एलिमेंट्स and we have to balance the equation, chemical reaction equation, we have to balance it. And you will see that all the things which we have learned previously are applicable in the real-world problems. Of course, real-world problems, uh, you have to suppose some assumptions to make the real-world phenomena easy. Uh, such type of assumptions are the first step to understand or to model ma or to model mathematical modeling karne ke liye aapka ye first step the physical problem mein. after that you will solve the solution of uh, the mathematical modeling what you have done to your uh, physical problem so as usual uh, I will start my lecture by providing the solution of the वन ऑफ द प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो कि प्रीवियस हमने लेक्चर में किया था सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर बाय सॉल्विंग द प्रिवियस एग्जाम्पल सो टूडे वी हैव द नाइन्थ लेक्चर ऑफ आवर कोर्स इफ यू रिमेंबर इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव दीज टू क्वेश्चन आई हैव सेलेक्टेड इन फैक्ट टू क्वेश्चन

तो इसका डेफिनेशन अगर मैंने करनी है तो मुझे इमेज चाहिए ए मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये मुझे पता होता है कि टी ई वन और टी ई टू अगर आर टू में से है ई e वन जो है वो आपका वन जीरो है और जीरो वन है इनके इमेजेस अब फर्स्ट क्वेश्चन के लिए टी ऑफ ई वन जो है वन जीरो दैट विल बिकम First element 1, second element 0, the third element 1, and the fourth element. In fact, we have the fourth element also 1. So this is the TE1, and we have the mapping from R2 to R4. And T01, the image of E2 under that transformation is 4.

and the second column of the matrix of transformation is 4, 0, minus 3, and 0. This is 4. So T of x equals A of x. Okay. Similarly, you can do the second part of your question T x1, x2, x3, x4. This mapping, the second part, is a mapping from R4 to a single vector which is R, scalar, from scalar. So I will consider I4, the elements of I4. So under that transformation, the second transformation, I will find out the images of T of. E1, E1 मेरा जो है जीरो जीरो आर फोर में से फोर एंट्रीज होंगे ये मैं निकालूंगा और इसका क्या आएगा इमेज थ्री आएगा T ऑफ जीरो वन जीरो जीरो इसका इमेज क्या आएगा इसका इमेज आएगा, आएगा आपके पास फोर एंड T ऑफ E3 क्या होगा जीरो जीरो थर्ड एंट्री वन जीरो एंड इसका क्या आएगा आपके पास फोर आएगा इन फैक्ट वी डोंट हैव हेयर एक्सप्रेशन फॉर द एक्स टू सो दी ई टू का जो है वो जीरो आएगा सिमिलरली टी ऑफ ई फोर जो कि जीरो 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 वन फोर्थ पोजिशन पे वन है इसका माइनस टू आएगा So, the matrix of transformation will be A will be 3 T of E1, 3 T of E2, 0, second column, first column, second column, third column, T of E3, 4 and T of E4, minus 2. And the definition of the transformation will be T of x equals A, 3, 0, 4, Minus 2 into x and x is from x4, x1, x2, x3, x4, and you can check that it is exactly the same. This matrix multiplication gives the same formula as we have in the question. Let T be a linear transformation. The second question is. Let t be a linear transformation with t x1 x2 equals this one. Find x such that t x equals 0 minus 1 minus 4. This means if we compare Tx, I just put the definition t x minus x2 minus 3 x1 plus x2. 2x1 minus 3x2 equals 0 minus 1 minus 4 if these two elements from r3 are equals it means the first component which is this one equals 0 2x1 minus x2 equals 0 the second component which is this one minus 3x1 plus x2 equals minus 1 and the third component which is this one 2x1 minus 3x2 equals minus 4. We have to solve this system of linear equation whose augmented matrix AB is defined as 2 minus 3 2 minus 1 1 minus 3, 0, minus 1, minus 4. Now you will solve this system and you will do it by yourself. Api system ko is augmented matrix ko echelon form me karenge. If you are able to find, if your system, what are the possibilities? First, inconsistent. Inconsistent means there does not exist. x belongs to domain or domain R2 uh, such that such that T of X equals 0 minus 1 minus 4 holds second consistent this is possibility that system consistent or consistent ke liye two possibilities unique solution hai unique solution and सेकेंड पॉसिबिलिटी इन फाइनाइट मैनी सोल्यूशन इन बोथ केसेस ए पार्ट में आपके पास एक यूनिक एक्स यू विल हैव अूनिक एक्स यूनिक एक्स सच दैट टी ऑफ एक्स इक्वल जीरो माइनस वन माइनस फोर होल्ड अगर आप बी कंडीशन है यू विल है आपसे पूछता हूं कि अगर आपके पास बी पॉसिबिलिटी आ जाती है इसको सोल्व करने के बाद द क्वेश्चन अराइज कैन दिस ट्रांसफॉर्मेशन टी बी वन टू वन ऑफकोर्स ऑफकोर्स द आंसर इज नो क्योंकि ये एक ऐसा एलिमेंट है आपका रेंज में जिस पे इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट्स फ्रॉम द डोमेन जो है ये मैप हो रहे हैं ठीक है वन टू वन में तो ये है कि हर एलिमेंट रेंज का जो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा एक एलिमेंट आपका डोमेन में मिले जिसका इमेज वो एलिमेंट है रेंज का ठीक है अगर एक भी एलिमेंट आपको रेंज में ऐसा मिल जाता है जिसके लिए आपके पास एक से ज्यादा इमेजेस बन रहे हैं रेंज का वो एलिमेंट देन द मैपिंग कैन नॉट बी ऑन टू द मैपिंग सॉरी द मैपिंग कैन नॉट बी वन टू वन ठीक है सो so, आज के लेक्चर की तरफ जाते हैं जो कि एप्लीकेशन का लेक्चर है वी विल स्टडी सम एप्लीकेशंस ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनफैक्ट होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेन्स का कुछ एप्लीकेशन हम करेंगे एप्लीकेशन पे जाने के लिए अ होमोजीनियस सिस्टम इन इकोनॉमिक्स। फर्स्ट एग्जाम्पल इज फ्राम सपोजो टू मेक द विल सपोज अ नेशन इकोनॉमी इज डिडेड इन टू मैनी सेक्टर सच एज वेरियस मैन्युफैक्चरिंग कम्युनिकेशन एंटरटेनमेंट एंड सर्विस इंडस्ट्रीज सो दिस इज द फर्स्ट सपोजिशन के किसी भी नेशन की इकोनॉमी जो है wo different sectors may divide it in fact every economy is divided into different sectors. Suppose that for each sector, each sector we know its total output. This is the important one for one year. And we know exactly how this output is divided or exchanged. What does it mean divided or exchanged? It, it means that somebody is producing something. कोई जो है लेट से uh, उसका वेजिटेबल्स कोई प्रोड्यूस कर रहा है वो अब हमें पता है कि उसकी टोटल आउटपुट क्या है प्रोडक्शन क्या है और वो प्रोडक्शन जो है वो एक्सचेंज किस तरह कर रहा है सपोज उसको सीमेंट चाहिए तो वो सीमेंट फैक्ट्री के साथ अपनी वेजिटेबल्स किस रेट पे किस तरह एक्सचेंज कर रहा है वी ऑल नो दिस वन ये इस तरह नहीं है कि आप वेजिटेबल जो है डायरेक्ट परचेज बाय करने जा रहे हैं या परचेज करने जा रहे हैं ठीक है वी विल मेक सम प्रोड्यूस समथिंग एंड वी विल एक्सचेंज बाय अदर पर्सन विच प्रोड्यूस समथिंग जिसको बार्टर सिस्टम भी कहते हैं अमंग द अदर सेक्टर्स द इकोनमी लेट द टोटल डॉलर वैल्यू ऑफ अ सेक्टर्स आउटपुट बी कॉल्ड द प्राइस ऑफ दैट आउटपुट एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एजम्पन द टोटल डॉलर वैल्यू ऑफ अ सेक्टर्स आउटपुट बी कॉल्ड द प्राइस ऑफ दैट आउटपुट यानी कि प्राइस ऑफ दैट आउटपुट होगी कि टोटल जो भी आउटपुट वो प्रोड्यूस कर रहा है ना उसको हम कहेंगे कि ये प्राइस ऑफ द आउटपुट है सपोज सपोज के आप जो है आ, कोई एक आ, फार्मर है वो आ, जो है 100 हंड्रेड बिलियंस की जो है आ, वीट जो है वो कल्टीवेट करता है तो हम उसकी प्राइस वैल्यू कहेंगे वन 100 बिलियन रुपीज है ये इसकी प्राइस वैल्यू है प्राइस आउटपुट है प्राइस वैल्यू है ठीक है नाउ आ साइंटिस्ट लियॉन टेव द फॉलोइंग रिजल्ट देर एग्जिस्ट एक्म प्राइसेस दैट कैन बी असाइंड टू the टोटल to outputs ऑफ the वेरियस sectors इन सच a way that the income of each sector exactly balances its expenses जैसे हमने स्टार्ट किया था लीनियर जबरा का कोर्स स्टार्ट में लीनियर जबरा के कोर्स में एक बैलेंसिंग इक्विलिब्रियम पोजीशन हमने बैलेंस किया था रॉड को डिफरेंट वेट्स यूज करके रॉड uh, को वेज पे बैलेंस किया था इसी तरह जो है ये इकोनॉमी में भी इक्विलिब्रियम प्राइसेस वो कह रहे हैं एग्जिस्ट करते हैं और प्राइस ऑफ दैट आउटपुट वो हमने पहले से डिफाइन कर दिया कि वैल्यू ऑफ अ सेक्टर आउटपुट बी कार्ड द प्राइस ऑफ That output. So price equilibrium prices that can be assigned to the total outputs of the various sectors. Different sectors, hai, aapke paas. different sectors ke jo outputs hai, unko hum price assigned kar hain so that we have the equilibrium position in the economy. Let's do and solve a, an example. Suppose an economy consists of the coal. इकोनॉमी जो है वो कॉल पे कंसिस्ट करती है इलेक्ट्रिक पावर पे एंड स्टील सेक्टर्स एंड द आउटपुट ऑफ ईच सेक्टर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द वेरियस सेक्टर्स एज शोन इन टेबल ये टेबल जो है इसमें आउटपुट जो है आ, शो की गई है और रिमेंबर दैट के इसमें वेयर द एंट्रीज इन अ कॉलम रिप्रेजेंट्स द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द सेक्टर्स टोटल आउटपुट टोटल आउटपुट वन है अगर आपके पास तो उस वन की फ्रैक्शन जो है हमने डिवाइड की है कि अगर कोल वाली कोई सेक्टर है कोल वाली जो है वो कोल को अपने आप को कितना अपनी प्रोडक्शन जो है यूज करता है वो जीरो पॉइंट जीरो परसेंट है ठीक है अब कोल सिमिलरली इलेक्ट्रिक जो सेक्टर है उसको कोल कितना परचेज करता है अपनी प्रोडक्शन का वो पॉइंट सिक्स परसेंट है और टोटल प्रोडक्शन हमने सपोज किया कि वन यूनिट और प्रोडक्शन है सिमिलरली कोल जो है कोल सेक्टर जो है पॉइंट फोर परसेंट जो है वो स्टील वालों को अपना प्रोडक्शन जो है ना वो एक्सचेंज करता है अब अब ये इलेक्ट्रिसिटी कोल अपने आप को परचेज नहीं करता यानी कि अपनी जो आउटपुट है वो खुद ही यूज़ नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी जो है इलेक्ट्रिक या पावर सेक्टर जो है वो 0.4 परसेंट जो है अगर उसकी भी यूनिट वन है प्रोडक्शन की वो 0.4 परसेंट कोल को परचेज करता है 0.1 परसेंट जो है वो इलेक्ट्रिक सेक्टर uh, को परचेज uh, देता है यूज करने के लिए 0.5 जो है वो जो है वो स्टील को देता है अब अगर इनकी टोटल जो है वो आउटपुट वन है तो इन कॉलम्स का सम जो है वो वन आना चाहिए ये पॉइंट सिक्स पॉइंट फोर पॉइंट जीरो वन पॉइंट फोर पॉइंट फाइव वन सिमिलरली स्टील जो है वो पॉइंट सिक्स परसेंट ऑफ हिज प्रोडक्शन जो है वो कोल को देता है एक्सचेंज करता है पॉइंट टू परसेंट पावर सेक्टर इलेक्ट्रिक सेक्टर को एंड पॉइंट टू परसेंट स्टील को एंड इट टर्न्स आउट टू बी वन सो प्रोडक्शन ऑफ थ्री सेक्टर्स इक्वल्स वन और जो ये बाकी सेक्टर्स के साथ एक्सचेंज करते हैं द सेकेंड कॉलम ऑफ टेबल वन फॉर इंस्टेंट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया लेकिन हम पढ़ लेते हैं फिर भी सेज दैट द टोटल आउटपुट ऑफ द इलेक्ट्रिक सेक्टर इज डिवाइडेड एज फॉलो सेकेंड कॉलम को एक्सप्लेन कर रहा है लेकिन मैंने आपको हर कॉलम जो है एक्सप्लेन कर दिया फोर्टी टू कॉल फोर्टी प्रोडक्शन का कॉल हो जाता है 50% to steel, 50% to steel and the remaining 10% to electric sector. The electric trees, this 10% as an expense it incurs in order to operate its business. Of course, use power supply and similarly all other commodities which has been produced by the other sectors has been used by the uh, remaining sectors for producing their product since all output must be taken into account the decimal fractions in each column must sum to one denote the prices dollar values of the total annual outputs of the coal electric and steel sectors by pc कोल की प्राउस प्राइस है और हमने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि प्राइस का क्या मतलब है कि टोटल आउटकम जो है उसको हम प्राइस ही कह रहे हैं पी इलेक्ट्रिक सेक्टर की एंड पी जो है वो स्टील सेक्टर की रिस्पेक्ट इफ पॉसिबल फाइंड इक्लिबियम प्राइसिस दैट मेक्स ईच सेक्टर्स इनकम मैच इट्स एक्सपेंडिचर्स ये इक्लिबियम पोजिशन थी कि आपका ना लॉस हो रहा है ना नीदर यू आर Gaining, you are आप जितना एक्सपेंस कर रहे हैं उतना ही आप जो है डिटर्मिन कर को, करना है तो बाई दिसम ऑफ लीनियर इक्वेजन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेन क्या है अब इस से किस तरह सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेजन बनेगा क्योंकि अब ये वी हैव द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 0.6 परसेंट ऑफ स्टील प्लस 0.4 इनफैक्ट 40 परसेंट यूनिट जो है कंप्लीट आउटपुट यूनिट हमने वन किया हुआ है तो 0.4 परसेंट नहीं कहना चाहिए 0.4 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन और 40 परसेंट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक सेक्टर equals Pc, the output of the coal. We have already assumed that Pc or as slide may be in the previous slide, that Pc, Pe and Ps are, are denoting, these are denoting the uh, the value in dollars of the total output of these sectors and these are the <coughs> these are the, uh, so this is this is the first equation we have similarly we have 0.6 of the pc plus 0.1 of the electric sector plus 0.2 of the sector steel sector equals pe the total production and the value in output of the electric sector which correspond to this second row in the, to, uh, in the table similarly in the table the third, third row correspond to 0.4 of the total uh, price production of the coal plus 0.5 uh, of the electric uh, sector and power sector or power sector 0.2 of the Steel sector and it equals the total production or the price uh, of the uh, power sector, uh, steel sector. Sorry, this is the PS stands for the steel sector. So, this is the system of linear equation which has been formed by this information, this table, and and the information and the supposition we have supposed in the Start of the example. So we can easily have reduced this system to this homogeneous system because we have PC here, we can take the other values here, and we have PE here. And PE here we have the coefficient 1, here we have the coefficient of PE 0.10.1, one, here we have PS and here we have ps the coefficient of ps is 0 0.2 so our system of linear equation has been reduced into the homogeneous system of linear equation and we if we have to find out the equilibrium point the equilibrium point is the point where the cost of a sector balances or equals the gain of the sector is known as the equilibrium point if we have to find out the equilibrium point if there is any exist we have to solve this system of linear equation and this is a homogeneous system of linear equation and this is the problem of economy so what we have learned for the homogeneous system of linear equations we 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 have seen an example in which we can apply our uh, our theory and results and terminologies for the uh, for the solution of the real world problem. Although the real world problem is very simple, we have supposed or imposed very uh, uh, assumptions to make the problem simpler. Now, homogeneous system, which is, this, you know, zero zero solution. hi P C equals zero equals P S equals P E a trivial solution but of course we are looking for the non-trivial solution so this is system corresponds, correspond we will write down the augmented matrix and since our elements of the augmented matrix are in decimals uh, 0 0.6 0 0.4 minus 0.4 so, so we should be careful while doing the calculations and we uh, because it's a small number and it will change a lot if you if you fix your calculator to the four digit places or two digit places, it will change a lot. The augmented matrix is this one. So this one is the pivot element, and we have to make of course we will do the same thing for getting the solution of the homogeneous system. Pivot position, we will make these two elements zero, we will do the all row operations, and we got these two elements as zero. The next pivot element is this one, and then we have to make this one zero, and you know that how to do it. Perisco a reduced echelon at that stage the matrix is in echelon form, is called reduced echelon form convert karenge, so we have to make this as zero. Jabisco zero karenge, ultimately we have the equilibrium price factor. If we define the equilibrium price vector p as pc, pe, and ps, these are the components of the uh, equilibrium price vector. Then it becomes ps. We have a free variable into 0 0.94, 0 0.85, and was, and ps was the price of the uh, sector steel sector steel sector so this is the equilibrium position if it is possible and of course ps is a free variable ps is free variable we have the free variable and any value of ps will give us a equilibrium position or point let's go through the next example balancing a chemical equation

मिलाते हैं एंड यू प्रोड्यूस समथिंग न्यू आफ्टर आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन नाउ दिस केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड इट व्हाट डज इट मीन कि इसको बैलेंस होना चाहिए बैलेंस होने चाहिए का मतलब ये है कि अगर आप जो है आपकी हाइड्रोजन जो है आप टेन मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के कंज्यूम कर रहे हैं मिला रहे हैं तो ओवरऑल आप, आपके मिक्सचर में टोटल अमाउंट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज टेन एटम्स देन जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें भी टेन होने चाहिए या फिर आपको यू हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर्स विद विध योर कंपाउंड टू मेक द रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम स्टेट सो दैट द एटम्स कंज्यूम्ड इन वेन वी हैव मिक्सड वी हैव स्टार्टेड द केमिकल रिएक्शन एंड at the end of the chemical reaction the atoms of the elements are balanced is tarah na ho ke aap consume jo है mix jo है chemical reaction mein wo let's say uh, ten करें और आपका जो product जो form कर रहा है उसमें five elements हो किसी एक uh, element के ठीक है such a such a balancing of a chemical reaction or chemical equation is known as balancing chemical equations and we can do the balancing of chemical equations by using the theory of system of linear equations. So chemical equations describe the quantities of substance consumed and produced by chemical reaction. For instance, when propane gas burns, the propane C3H8 carbon and hydrogen combines with oxygen. This is the propane formula for the chemical formula for the propane gas. Combines with the oxygen, oxygen is O2, to form carbon dioxide, CO2, and water. So, this is a reaction. Propane gas is burned in the existence of, in the presence of O2 to form. The carbon dioxide and water, which is H2O. So, this is the chemical reaction we add propane, burn propane, and in the presence of oxygen, then it comes carbon dioxide and water. So, we have to balance. We have eight molecules here of uh, hydrogen in the left hand side, but here in water, we have only four. So, we put X1. X1 is to be determined. X1 in terms in front of the propane gas plus X2 in front of the multiple of as multiple of the O2 oxygen gas. X3 and these are unknowns. X3 CO2 carbon dioxide plus X4 H2O water. So X1, X2, X3, X4 are the unknowns and these are unknown such that these are to be determined such that the the molecules or atoms for each element hydrogen carbon and oxygen are balanced in this reaction to balance the above equation we need to find the coefficients x1 x2 and x3 such that x1 equals 3 8 V this one vector plus x2 this vector plus x3 this vector plus x4 this vector. Now the question arises how we are writing these vectors. Now if we carefully see that each the first the first entry we have only three elements carbon c stands for carbon c oxygen and we use the symbol o for it and hydrogen and we use the symbol h in our this chemical reaction so the my first entry corresponds to carbon my second entry correspond in these vectors corresponds to the hydrogen and my third entry corresponds to the oxygen so x1 in X1, we have if my first entry is carbon, so in the propane, I have three atoms of carbon, so I put the first element as three because I have three. In the second entry, in my vectors, I have decided that my vectors will be in this form carbon, hydrogen, oxygen. So the first X1 multiplied by 3 correspond to carbon 8 correspond to hydrogen and since in propane there is no oxygen i will put 0 for the oxygen third entry correspond to the 0 plus x 2 since in oxygen there is no carbon there is no hydrogen so i put 0 here 0 here and there are 2 atoms of oxygen so i put here 2 now, this left hand side x1 plus x2 are unknowns should be equals to the x3 into. Now, I have to write this one carbon one item, hydrogen CO2, I don't have oxygen, I have two for it, so I will put here two plus x4 carbon H2O may water me carbon co yota nah zero hydrogen 2 and oxygen 1 so this is the equation correspond to this chemical reaction now i have to find out x1 x2 x3 and x4 such that this system has a solution this system can be written as x1 <coughs> plus x2 plus x3 minus i put minus here minus 1 and minus 2 and plus x4 0 minus 2 and minus 1 equals the null vector 0 0 0. Once again this is the homogeneous homogeneous system of linear equation. Now if I have to balance the chemical reaction I have to solve this homogeneous system of linear equation. तो अगर केमिकल आपके बैलेंस नहीं होंगे तो ऑफकोर्स आप जो है आउटपुट भी इसी तरह कार्बन की या हाइड्रोजन की आपको इस पर्टिकुलर एग्जांपल में नहीं मिले सो यू हैव टू मिक्स द प्रोपेन और यू हैव टू बर्न द प्रोपेन इन एन अप्रोप्रिएट मैनर सच दैट द केमिकल रिएक्शन आर बैलेंस सो बैलेंसिंग द इक्वेशन टू सॉल्व वी रीड द सिस्टम दिस वन इस सिस्टम को हम इस तरह सॉल्व लिखते हैं अब इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए ये एक वेक्टर इक्वेशन है वैक्टर इक्वेजन और दिस वेक्टर इक्वेशन इज इक्विवेलेंट टू दिस मैट्रिक्स इक्वेशन 3 8 0 0 0 2 -1 0 -2 0 -2 minus -1 minus this is my matrix a into x x will be x1 x2 x3 x4 and it is equals 0 0 0 this is my x and this is my null vector so system correspond to ax equals 0 if i have to solve this system then i have to do the row operation such that this matrix is in augment uh, echelon or reduced echelon form so let's do it so this is our matrix augmented matrix our augmented matrix will be 3 0 -1 0 and 0 8 0 0 -2 two, 0 0 2 -2 -1 -1 here and here we have 0 for the augment so this is if this is my pivot element and i have to make this as 0 then then i have to do the following row operation, first interchange rows 8, 0, 0, minus 2, 0, 3, 0, minus 1, 0, 0, and then 0, 2, minus 2, minus 1, and 0. Then I can make it 1. ज़ीरो माइनस वन बाई फोर ज़ीरो थ्री टाइम्स मैं सपटेक्ट करूँगा थ्री टाइम्स मैंने सपटेक्ट करना है तो ये ज़ीरो हो जाएगा ये ज़ीरो टू माइनस टू माइनस वन एंड ज़ीरो थ्री टाइम्स सबटेट करना है ये विल रिमेन माइनस वन एंड थ्री टाइम्स सपटेक्ट करना है दैट दैट विल बिकम थ्री बाय And this will always be 0. Now I will uh, once again interchange the rows to get uh, the pivot element because next non-zero element, <laughs> element <laughs> is here. to my rows go change: karunga 1, 0, 0, minus 1 by 4, and 0, uh, 0, two, minus 2, minus 1, 0. 0, 0, minus 1, 3 by 4, and 0. So this is my pivot, and next element is 0, and this is my pivot. So my matrix is in echelon form. If I reduce this matrix to the equations, then I will have minus x. 3 प्लस थ्री बाय 4 एक्स फोर इक्वल जीरो इट मीन्स x 3 इक्वल थ्री बाय 4 एक्स फोर एंड वी हैव अ फ्री वेरिएबल x 4 इज अ फ्री वेरिएबल क्योंकि ये होमोजेनियस सिस्टम है ऑफ कोर्स इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा और नॉन ट्रिवियल अगर होगा तो एटलीस्ट वन फ्री वेरिएबल आएगा सेकंड रो मुझे देती है टू एक्स टू इक्वल्स टू एक्स थ्री प्लस एक्स फोर एक्स फोर की वैल्यू मैं यहाँ डाल के और एक्स थ्री की वैल्यू एक्स थ्री की वैल्यू मैं यहाँ डाल के जो कि थ्री बाय फोर प्लस इंटू टू प्लस वन इंटू एक्स फोर यह आपका बन गया तो एक्स टू की वैल्यू क्या आ गई इन टर्म्स ऑफ एक्स Four. Me. Similarly, from the first equation, I have x one minus one by four x four equals zero. X one equals one by four x four. So my values of x one, x two, x three, x four are in terms of.

होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को जब भी नॉन ट्रिवियल इसका सोल्यूशन हो तो इसके सोल्यूशन को हमने सीखा हुआ है कि किस तरह हम पैरामिट्रिक वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं सो काइंडली यू हैव टू डू इट योर सेल्फ राइट द सोल्यूशन राइट द सोल्यूशन सोल्यूशन इन पैरामेट्रिक वैक्टर फॉर्म पैरामेट्रिक vector form. And you have to complete it yourself. Aapko solution maine solve karke de 75% almost. And it's an easy task to find out the uh, r r write down the parametric form of the solution of homogeneous system. The next application is from network flow. Network, we have the computer network, we everybody use the internet and internet is also uh, a large network but here we will we will consider a simple problem for the network flow a network what is a network a network consists of a set of points called junctions or nodes with lines or arcs called branches connecting some or all of the जंक्शंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन ईच ब्रांच इज इंडिकेटेड अब एक जो है नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट जंक्शंस और नोड्स और उसमें जो है ब्रांच जो है उसमें फ्लो जो है वो इंडिकेट किया जाएगा फ्लो ऑफ ट्रैफिक हो सकता है ट्रैफिक का भी एक नेटवर्क होता है रोड्स का नेटवर्क होता है एंड द फ्लो अमाउंट और रेट इज इधर शोन और इज डिनोटेड बाय अ वेरिएबल या तो किसी वेरिएबल से अगर फ्लो हमें नहीं पता हम एज्यूम करेंगे एक वेरिएबल अननोन जो कि अननोन निकालना होगा हमने और यहां तो अमाउंट जो है नेटवर्क फ्लो की दी दी जाती है एंड फ्लो जो है वो डायरेक्टेड एडो से इंडिकेट किया जाता है द बेसिक अजम्प्शन विच इज द इम्पोर्टेंट वन द बेसिक अजम्प्शन ऑफ नेटवर्क नेटवर्क फ्लो इज दैट द टोटल फ्लो

टोटल नेटवर्क जो है आपका उसमें जो टोटल इनफ्लो होगा और टोटल आउटफ्लो होगा दैट मस्ट बी इक्वल ये इक्वल होना चाहिए ठीक है और सेकेंड कि एक अगर जंक्शन है एक नोड है तो उसमें भी अगर जो इनफ्लो है और आउटफ्लो जो है वो भी इक्वल होगा ठीक है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्जम्प्शन कि आपका नेटवर्क फ्लो में नेटवर्क consist of different nodes and different junction. So though Arkipass assumption are in the first one total inflow in the network equals the total outflow outflow in the network. एक ये एजम्शन है दूसरी एज्शन क्या है कि अगर आपके पास कोई भी जंक्शन है या नोड है तो टोटल टोटल इनफ्लो इन अ जंक्शन इन अ जंक्शन इक्वल्स द टोटल आउटफ्लो आउटफ्लो फ्रॉम द जंक्शन From the junction or node, it's the same thing. For example, this is a junction. So the inflow is thirty. The inflow is thirty. Whatever the thirty cars, if if we have the roads or uh, thirty electrons, if we have the electric uh, network or whatever it is. So this this node or junction takes the inflow as thirty and the outflow is there are two branches we do not know we assign the x1 and x2 so correspond to this node or junction we have the equation that inflow is 30 and outflow is x1 plus x2 so we have such type of equation so in our network flow problems we will form the system of linear equations by using these two assumptions. Let's see our problem. The network, the following network shows the traffic flow in vehicles per hour. This network shows the roads ka network and network this network represent represents the, the number of vehicles. पासिंग बाय दीज रोड इन वन आवर ओवर सेवरल वन वे स्ट्रीट इन डाउन टाउन अब ये ऑल द स्ट्रीट बाल्टी मोर ड्यूरिंग आर टिपिकल अर्ली आफ्टरनून डिटर्मिन दिनल फ्लो पैटर्न फॉर द नेटवर्क जनरल पैटर्न हमने फ्लो पैटर्न जो है नेटवर्क का डिटर्मिन करना अब सबसे पहले तो हम इसके जंक्शन जो है ना नोड्स जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं एक हमारे पास ये है, नोड जो है, है? ठीक वी कॉल इट बी एक नोड ये है, है? ठीक वी कॉल इट ए एक नोड ये है, वी कॉल इट डी एंड एक नोड ये वी कॉल इट सी अब इन फ्लो जो है लेट से इस जंक्शन ए का जो है वो मैंने इक्वेशन लिखनी है ये एक जंक्शन या नोड है तो इनफ्लो ये एरो जो है ये डायरेक्शन शो कर रहा है इनफ्लो क्या आ रहा है थ्री हंड्रेड व्हीकल्स फ्रॉम प्रैट स्ट्रीट एंड फाइव हंड्रेड फ्रॉम दिस फाइव हंड्रेड यहां से ये इनफ्लो है इस ए जंक्शन के कोरस्पोंड सो दिस ए जंक्शन के कोरस्पोंड थ्री हंड्रेड प्लस फाइव हंड्रेड इन फ्लो है अब इट शुड बी इक्वल्स आउटफ्लो अब आउटफ्लो इससे इस जंक्शन ए से नोड ए से दो ही आउट फ्रॉम दिस जंक्शन सो वी अज्यूम दैट दिस इज एक्स वन नंबर एंड दिस इज एक्स टू नंबर एंड एक्स वन एंड एक्स टू आर अनोन्स बट द आउटफ्लो जो बैलेंस हमने लॉ पीछे पढ़ा है एजम्शन पढ़ी है X1 300 plus 500 should be X1 plus X2. So this is one equation correspond to the node or junction A. Similarly junction B pe ab junction B mein inflow jo hai wo X2 ka hai? or ek is taraf inflow aa which we don't know we call it X4 प्लस एक्स फोर इनफ्लो ये है आउटफ्लो जो है वो एक तरफ से लोम्बार्ड स्ट्रीट जो है उस तरफ से 300 हंड्रेड व्हीकल्स जो है वो आउटफ्लो है प्लस कालवर्ट स्ट्रीट जो है उस पर हमें आउटफ्लो व्हीकल्स का नहीं पता वो ही कॉल इट एक्स थ्री प्लस एक्स थ्री सो दिस इज द इक्वेशन कॉरेस्पॉन्ड टू द जंक्शन बी इन द टेबल वी हैव एक्स टू प्लस एक्स फोर इक्वल थ्री हंड्रेड प्लस एक्स थ्री सिमिलरली लेट्स कम्स टू द जंक्शन डी जंक्शन डी का इन फ्लो जो है वो एक्स है एक्स वन अब ये इनफ्लो इस तरफ से भी आ रहा है विच वी डोट नो एक्स वन बट वी कॉल इट एक्स फाइव प्लस एक्स फाइव and outflow is 600 vehicles so this is the equation correspond to junction d similarly we will write down the equation the inflow for the junction c is 400 inflow hai. outflow of outflow 400 inflow hai, or 100 vehicles from south street b 100 plus 400 equals outflow. Aapka kya ras C junction pe ye inflow tha outflow x4 unknown and x5. So it should be balanced with the x4 plus x5. So this is another equation. So we have written the four equation for the four. Nodes or junctions in our network A, B, this one is correspond to D, and this one is for C. These four equations are written in the table. I have explained to you how we get these equations 300 plus 500 equals x1 plus x2. For B, x2 plus x4 equals 300 plus x3 and for c c, for c we have 100 plus 400 equals x4 plus x5 which is written here and for d x1 plus x5 equals 600 uh, these are the n balances of junctions or nodes Now, this total network maybe though एजम्पन क्या थी कि टोटल इनफ्लो इन द नेटवर्क शुड बी इक्वल टू द टोटल आउटफ्लो ऑफ द नेटवर्क ये भी तो एक थी हमारी इस एजम्शन को यूज करके वी विल गेट एन अदर इक्वेशन सो टोटल इनफ्लो हमारा क्या है टोटल इनफ्लो 300 हंड्रेड प्लस फाइव ये इन हो और और इन आउट है ये इन प्लस हंड्रेड प्लस हंड्रेड इन प्लस फोर हंड्रेड इन एंड आवर आउटफ़्लो, इट शुड बी इक्वल्स इनफ्लो टोटल ये क्या है टोटल इनफ्लो ये कहां से आ रहा है ये इन वाले जो एरोज हैं थ्री हंड्रड जहां से फाइव हंड्रेड जहां से थ्री 500. फाइव हंड्रेड देन ये आउट है इन 100 इन ये इन सो इन फोर हंड्रेड दिस इज टोटल इन फ्लो सो इट शुड बी इक्वल्स द टोटल आउटफ्लो ऑफ द नेटवर्क आउटफ्लो टोटल आउटफ्लो क्या है सिक्स हंड्रेड इधर है प्लस ये 600 इधर कोई आउटफ्लो नहीं है यहां से आपका 300 है 300 हंड्रेड आउटफ्लो है यहां पे आउटफ्लो अनोन प्लस एक्स थ्री एक्स थ्री है अब यहां पे इनफ्लो है इनफ्लो है ये आउटफ्लो ये हमने काउंट कर लिया अब ये आपका टोटल इनफ्लो इक्वल यहां से आपके पास यू गॉट अनदर इक्वेशन एक्स थ्री इक्वल Five nine hundred nine hundred and three uh, thousand. Oh, yeah, yeah. Thirteen thousand hundred thirteen hundred minus nine hundred. So we have another equation: X three equals four hundred. So our network has given uh, us these one, two, three, four, five equations with how many unknowns? X one x2, x3, x4, x5. We have 5 equations and 5 unknowns. So, this is the table I have already explained and this table has been written in the system of linear equation in this form exactly x1 plus x2 equals 800 correspond to this one b x2 minus x3 x2 minus x3 plus x4 equals 300 correspond to this one and x4 plus x5 equals 500 correspond to this one and x1 plus x5 correspond to this equation of the table and this is the total outflow inflow ऑफ द नेटवर्क शुड बी इक्वल टोटल आउटफ्लो जो कि लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया भी था एक्सप्लेन भी किया था कि किस तरह ये फॉर्म किया और उसको सिंप्लीफाई किया था एक्स थ्री इक्वल फोर हंड्रेड बना था लो रिड्यूस ऑफकोर्स दिस इज होमोजीनियस सिस्टम तो ये नहीं है होमोजीनियस सिस्टम नहीं है क्योंकि आपके पास राइट हैंड साइड जो है नॉन जीरो है this is non homogeneous system of linear equations in order to solve this one we row reduce the associated augmented matrix which leads to this one ab se aapke x4 equals 500 minus x5 x3 equals

जब हमारे पास ये फ्री वेरिएबल आ गया सो वी हैव इनफिनाइट मेनी सोल्यूशन फॉर द नेटवर्क प्रॉब्लम द जनरल फ्लो पैटर्न फॉर द नेटवर्क फ्लो इज डिस्क्राइब्ड बाय दिस वन एक्स फाइव इज फ्री वेरिएबल एक्स फोर एक्स थ्री एक्स टू एंड एक्स इफ वी टेक एक्स फाइव एनी रियल नंबर बट विच इज फिजिकल आई विल एक्सप्लेन टू यू वट डज इट मीन के फिजिकल होने का क्या मतलब है सो दिस इज दोल्यूशन ऑफ द आवर नेटवर्क प्रॉब्लम हमारा नेटवर्क प्रॉब्लम जो था वो वन वे था टू वे नहीं था तो ये रिमार्क में हमने यही लिखा हुआ अ नेगेटिव फ्लो इन अ नेटवर्क ब्रांच कॉरस्पोंड्स टू फ्लो इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द शोन ऑन द मॉडल अगर इन नेगेटिव वैल्यू लेट्स से एक्स फाइव हम ऐसा चूज करते हैं लेट से एक्स फाइव सेवन हंड्रेड चूज कर लें तो एक्स वन माइनस वन हंड्रेड आ जाएगा तो ये माइनस वैल्यू मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये माइनस वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है कि जो फ्लो दिखाया गया नेटवर्क में ना उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में व्हीकल्स जो हैं वो फ्लो करना स्टार्ट हो गई लेकिन हमने ये अजम्पशन थी हमारी कि हमारे नेटवर्क में रोड्स में व्हीकल्स जो हैं वो वन वे ट्रैफिक है टू वे ट्रैफिक नहीं है ऑपोजिट ट्रैफिक नहीं है ठीक है सिंस द स्ट्रीट इन दिस प्रॉब्लम आर वन वे द स्ट्रीट्स ऑल द स्ट्रीट आर वन वे नन ऑफ द वेरिएबल हेयर कैन बी नेगेटिव कोई भी वेरिएबल जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता दिस फैक्ट लीड्स अब ये नेगेटिव कब होगा वेन एक्स फाइव एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ सिक्स हंड्रेड ये तो नेगेटिव कभी नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव और x5 भी पॉजिटिव व्हीकल नेगेटिव तो नहीं हो सकती x3, थ्री भी जो है 400 x4 जो है 500 हंड्रेड माइनस एक्स है ये नेगेटिव हो सकता है वैन एवर वी टेक द वैल्यू ऑफ x5 फाइव मोर देन फाइव हंड्रेड सो दिस इज नॉट पॉसिबल एंड दिस इज वैन एवर एक्स ग्रेटर देन फाइव सो द कंडीशन फ्रॉम दिस वन बिकम्स दैट एक्स फाइव शुद् लेस देन 600, and for this to be positive, we should restrict x5 to be x5 less than or equal to 500. Agar ye condition, this is more restrictive condition, so we will take this condition on the x5. Because agar ye condition satisfy or ye ye to satisfy. हो ही जाएगी क्योंकि अगर x5 600 से वन है लेकिन ये नेगेटिव हो सकता है फॉर x5 बिटवीन 500 एंड 600 सो दिस कंडीशन वी विल इंपोज दिस कंडीशन ऑन द सॉल्यूशन एंड दिस कंडीशन इज फिजिकल कंडीशन फिजिकल प्रॉब्लम से आ रही है क्योंकि हमारी रोड्स जो हैं वो वन वे ट्रैफिक है उन पे उनमें टू वे नहीं है नेगेटिव ट्रैफिक का क्या नेगेटिव वेरिएबल का क्या मतलब है नेगेटिव वेरिएबल का मतलब है कि रोड के जो डायरेक्शन दी गई है उसके ऑपोजिट ट्रैफिक चल रही है यह हम अलाउ नहीं कर रहे दिस फैक्ट लीड्स टू लिमिटेशन ऑन द द पॉसिबल वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स फॉर इंस्टेंट फाइव हंड्रेड बिकॉज एक्स फोर कैन नॉट बी नेगेटिव तो यह मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है कि x5 जो है वो लेस देन और इक्वल टू 500 होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी होगा क्योंकि नेगेटिव वैल्यू जो है वो हम नहीं कर सकते uh, क्योंकि हमारा नेटवर्क फ्लो जो है वो वन वे ट्रैफिक है कार्स की और व्हीकल्स की वन वे ट्रैफिक है वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ आवर लेक्चर एज यूजल एट द एंड ऑफ आवर लेक्चर आई विल प्रेजेंट सम ऑफ द प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स एंड गिव यू सम हिंट्स फॉर द सॉल्यूशन ऑफ सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम ये एप्लीकेशन के प्रॉब्लम जो होते हैं ये ऑफ कोर्स थोड़े से मुश्किल होते हैं क्योंकि आपको एजम्पन्स जो हैं स्टेटमेंट में से निकालनी पड़ती हैं एंड यू हैव टू फॉर्मुलेट द इक्वेजन्स और ये एक्सपीरियंस मेरा ये है कि स्टूडेंट्स uh, को एप्लीकेशन प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगते हैं दे आर नॉट एबल टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर एन इकोनॉमी विद थ्री सेक्टर्स फ्यूल पावर एंड मैनुफैक्चरिंग एंड सर्विस फ्यूल एंड पावर दिस इज द वन सेक्टर मैनुफैक्चरिंग इज एन अदर सेक्टर एंड द सर्विस इज द थर्ड सेक्टर फ्यूल्स एंड पावर विच इज द वन सेक्टर सेल्स एटी परसेंट ऑफ इट्स आउटपुट टू मैनुफैक्चरिंग टेन परसेंट टू सर्विसिज एंड रिटेनज द रेस्ट रिटेन्स द रेस्ट मीन के वो खुद ही यूज करते हैं और इस तरह की प्रॉब्लम हमने की थी आपको टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग सेल्स 10 परसेंट टू इट्स आउटपुट टू फ्यूल्स एंड पावर 80 परसेंट टू सर्विसेज एंड रिटेन्स द रेस्ट सिमिलरली ये इंफॉर्मेशन जो दी गई है मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसके लिए भी आप टेबल बनाएंगे और परसेंटेज में फॉर एग्जाम्पल टेन जो है ये जीरो था हमने जो एग्जाम्पल सॉल्व की है एटी जो है ये जीरो बन जाएगा और आप इसी तरह इक्वेन्स uh, जो है फॉर्म uh, करेंगे टेबल फॉर्म करेंगे सर्विसेज सेल्स 20 परसेंट टू फ्यूल्स एंड पावर 40 परसेंट टू मैन्युफैक्चरिंग एंड रिटेन द रेस्ट खुद भी अपने यूज में भी सर्विसेज जो है रखती हैं कंस्ट्रक्ट द एक्सचेंज टेबल फॉर द इकोनॉमी एक्सचेंज टेबल जो हमने बनाया था वो आपने बनाना है एक तरफ कॉल कॉलम और एक तरफ रोज का भी कॉल रखें और ये जो इंफॉमेशन दी गई है इसके अकॉर्डिंगली अपने टेबल uh, की एंट्रीज जो है वो फिल करेंगे डिवेल्प सिस्टम ऑफ इक्वेशन दैट लीड्स टू प्राइसेस एट विच ईच सेक्टर्स इनकम मैचेस इट्स एक्सपेंसेस इन फैक्ट ये जो था ये हमारा एजम्पन था कि एक्सपेंसेस जो हम करते हैं और जो हमारी इनकम है वो बैलेंस है वी आर एट द इक्म पोजिशन सो दिस विल इफ यू ट्राई टू सॉल्व दिस वन दिस विल लीड टू द होमोजीनियस सिस्टम ऑफ जीनियर इक्वेन और एज हमशन वो ही है कि आपकी आउटपुट जो इनकम है उसको हम आप प्राइस वैल्यू इन डॉलर जो है वो ले लेंगे बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वे से करेंगे जिस तरह हमने पहले एग्जाम्पल में सॉल्व किया था द क्वेस् नंबर टू विच इज इनफेक्ट हैज टू डिफरेंट पार्ट बैलेंस द केमिकल इक्वेज द फर्स्ट पार्ट इज एलोमियम ऑक्साइड एंड कार्बन रिएक्ट टू ए

ऑक्सीजन और एलुमिनियम ये आप वैक्टर अननोन सपोज करेंगे वैक्टर्स की एंट्री सो एक्स वन की एंट्री प्लस एक्स टू की एंट्री शुड बी इक्वल्स एक्स थ्री इंटू एंट्री प्लस एक्स फोर इंटू एंट्री और ये एंट्रीज जो है आप फिल करेंगे बाई टेकिंग इन अकाउंट ऑफ दिस नंबर ऑफ आइटम्स इन दिस रिएक्शन इक्वेशन और इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे The B part is alka seltzer contains sodium bicarbonate, whose formula is this one, and citric acid, whose formula is this one. When a tablet is dissolved in water, this is a tablet, this is the name of the tablet, the following reaction produces sodium citrate, water, and carbon dioxide gas, and you have to balance the equation. Similarly, exactly in the same way, up. इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे यू हैव टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स ये एन ए जो है ये सोडियम के लिए होता है एच हाइड्रोजन के लिए सी कार्बन के लिए और ऑक्सीजन के लिए और बाकी सब जो है वो आप इसको बैलेंस कर सकते हैं सो यू विल डू एग्जैक्टली इन द सेम वे एज आई हैव डन इन दिस लेक्चर बोथ प्रॉब्लम्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी और आप जो है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन जो हैं वो भी एक्जैक्टली इन द सेम वे में सॉल्व करेंगे इसी तरह ईजी है आप सॉल्व कर सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इन्हीं प्रैक्टिस प्रॉब्लम में से एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो है वो मैं सॉल्व करवाऊँगा और आप नेटवर्क फ्लो के भी अपनी एक्सरसाइज में से अपनी बुक में से एक्सरसाइज में से प्रॉब्लम ले सकते हैं ठीक है आई होप डेट यू अंडरस्टैंड वेल एंड I have developed the interest of linear algebra, learning the linear algebra by uh, providing you a lecture on the physical problems which we solve by using the techniques of linear algebra. See you next time. Allah right, Hafiz. Take care.